जी वर्स मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। आखिर में हमने यहाँ बताया था आपको कि हरी मिर्ची अदरक वो सब ऐड कर दिया था, ऑयल इसका ऊपर आ गया। हम चूल्हा बंद कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी चटपटी जो है ना कढ़ाई वो बनकर तैयार हो गई है। जी वर्स खाना हमारा रेडी हो चुका है, दो तीन रोटियाँ बन चुकी हैं, बल्कि तकरीबन सभी बन गई है, एक रोटी रह गई है। तो सालन भी हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम निकालेंगे इसे प्लेटों में और दस्तरखान पे हम रखेंगे खाना। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग सबके? और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर धोए कपड़े, क्योंकि कराची में आए हुए हमें 5 दिन हो गए, तो कपड़े रोज़ जो होता ना हस्बैंड भी और बच्चे भी उतारते हैं, तो काफ़ी जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा आज मशीन लगा दूँ, और मौसम भी अच्छा है, हवा भी काफ़ी चल रही है, तो मैंने जो है ना यहाँ कपड़े लगा दिए थे। और कपड़े तकरीबन मेरे धुल चुके हैं, बस ये थोड़े से रह गए, थोड़े से खंगाल लेंगे, तो बस ये धो के फारिग होती हूँ और मशीन वगैरह सब धो कर रख दूँगी। सुबह के बज रहे हैं 8:15, तो मैंने जो है ना सुबह के टाइम मशीन लगाई थी 7 बजे। और बाहर का मौसम देखें आप लोग, पार्क में देखें बच्चे खेल रहे हैं। तो जी व्यूअर्स कपड़े जो है ना मैंने सारे डाल दिए हैं मशीन, मैंने जो है ना धो लिए और सारे मैंने कपड़े फैला दिए यहाँ पर। तो अब जो है ना मैं जा रही हूँ नीचे, देखिए नीचे सब सोए हैं, तो मैं भी थोड़ी देर जो है ना सो जाऊँगी, जब तक सब उठेंगे तब फिर मैं भी उठ जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का। तो जी बट सब सो चुके हैं, सब सोए हैं उस कमरे में, और मैं यहाँ पर आई थी बाहर दूसरे कमरे में। यहाँ पे देखें सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पार्क बना हुआ है सामने, धूप भी जो है ना काफी थोड़ी थोड़ी आ चुकी है। तो जी बस अभी मैं कपड़े धोकर ऊपर से आई थी, सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में स्लाइस, साथ में मक्खन, ब्लू बैंड और पापे। चलो तो हम यहाँ पे चाय रखेंगे ना। तो जी बस अभी चाय आने वाली है हमारी, इंतज़ार कर रहे हैं चाय आने का। चाय आती है तो आ गई हमारी मज़ेदार सी चाय, चाय और साथ में मक्खन और स्लाइस खाएंगे। तो जिस व्यूअर्स को हमारे साथ नाश्ता करना है तो आप लोग आकर नाश्ता कर सकते हैं हमारे साथ, सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर लगा रही है इसका ब्लू बैंड मक्खन, मुझे ही बना के दो। तो जी व्यूअर्स आज बन रहे हैं खाने में चिकन कढ़ाई, तो उसी की तैयारी कर रहे थे अभी, और घर का काम वगैरह सारा हो गया था, और अब जो है ना खाने की तैयारी है। बर्तन रह गए थे धोने के लिए और चिकन वगैरह सारा साफ कर लिया है, साथ में निकाल के रखा है यहाँ पर दही, और यहाँ पर कूटे जा रहा है अदरक और लहसुन का पेस्ट कर चिकन की कढ़ाई के लिए। तो बड़े ही मज़े की भाभी बनाती है चिकन कढ़ाई, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे बनती है।
और फिर हम खाएंगे और आप लोगों को भी टेस्ट करवाएंगे। करवाएंगे कि बताइएगा आप लोग भी ये कैसे बनी है। तो जी बस हमने रख दी थी चिकन जो है ना कढ़ाई के ऊपर और कढ़ाई बनाने के लिए, और हम जिस तरीके से कढ़ाई बनाते हैं वैसे हम आपको बता रहे हैं, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में चिकन कढ़ाई कैसे बनती है, और हम जिस तरह से बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि चिकन हर कोई चीज़ घर में बनता है तो सबकी रेसिपी जो है ना अलग अलग होती है, और हम किस तरीके से बनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। ऑयल गर्म करके चिकन डाल दिया था, साथ में जीरा डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा, और साथ में अभी डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम टमाटर, वो भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर, और जो सूखा मसाला डलेगा वो भी हम साथ में इसे ऐड कर देंगे और इसे रख देंगे दम पे पकने के लिए, ताकि हमारे अच्छे से एक चिकन गल जाएंगे और टमाटर भी ना सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो बाकी के बाद क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बीफ का या कढ़ाई या चिकन की कढ़ाई वो कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे सिंधी स्टाइल में जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही बना रहे हैं। तो जी वर्ष समय ने जो ना 5 से 10 मिनट इसको दम पे पका लिया था, तो देखिए इसके टमाटर जो थे वो सारे गल चुके हैं और चिकन भी आधा गल चुका है। अभी साथ में इसके जो है ना मसाले ऐड करते जाएंगे, क्योंकि पहले हमने मसाला ऐड नहीं किया था, पहले सिर्फ जो है ना नमक लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा शायद डाल के टमाटर जो है ना इसे रख दिया था पकने। अभी अच्छे से जो है ना हमारा आधा कच्चा पका हो भी चुका है और तेल ऑयल ऊपर आने लगा है, इसके बाद सारे मसाले ऐड कर रहे हैं, जो सूखे मसाले घर में होते हैं वो सब ऐड की जा रहा है, सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चे और हल्दी, नमक हमने पहले ही शामिल कर दिया था, और अब इसके थोड़े भूनने के बाद जो है ना हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगी इसके 5-10 मिनट के बाद ही ना बन जाएगी हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। और साथ बनाने वाली मेरी जेठानी है, क्योंकि आज मैं अपनी जेठानी के घर आई थी तो वो बना रही है चिकन कढ़ाई। पानी ऐड करोगे भाभी? नहीं, पानी अच्छा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, बस जो दही का पानी होगा ना वही इसके जो है ना चिकन को अच्छे से पका देगा, दम दे देंगे उसके बाद, तो फिर हम आपको एंड में भी इसकी शक्ल दिखाएंगे चिकन की कढ़ाई की। हाँ साथ में जो है ना ये अदरक हमने पहले ही काट के रख दी है वो ऐड करेंगे, और धनिया है वो हमें साफ करना है, और हरी मिर्चें, ये तीन चीज़ें बिल्कुल एंड में डलेगी, और धनिया जो है ना हम ये अभी मिक्स कर रहे हैं हाथ से ही, वो इसके अंदर कर देंगे ऐड। तो आज मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी है चिकन की कढ़ाई की, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग ही बनाई थी, तो आज सोचा जब भाभी बना रही है चिकन कढ़ाई तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हम कैसे बनाते हैं, मतलब मैं तो अलग कैसे बनाती हूँ लेकिन यहाँ पे भाभी कैसे बना रही है वो आपके साथ दिखा रहे हैं। तो बस जो ये दही हमने ऐड किया है इसको रख देंगे हम दम पे पकने के लिए 5 से 7 मिनट और फिर आपको एंड में दिखाएंगे कि हमारी चिकन कढ़ाई कैसे बनी। और यहाँ पे ये दोनों बैठ के देखो क्या कर रही हैं, दूसरे के बाल बना रही हैं, ये कंघी कर रहे हैं इसकी, और बाहर देखें काफ़ी धूप आ चुकी है, दोपहर का टाइम है, दोपहर के मेरे ख्याल से 1 बजे का टाइम हो रहा है और धूप काफ़ी आ गई है, और मैं यहाँ से जो है ना खिड़की से आप लोगों को देख के बता रही हूँ बाहर का नज़ारा। तो जी वर्स मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। आखिर में हमने यहाँ बताया था आपको कि हरी मिर्ची अदरक वो सब ऐड कर दिया था, ऑयल इसका ऊपर आ गया, हम चूल्हा बंद कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी चटपटी जो है ना कढ़ाई वो बनकर तैयार हो गई है। तो जी वर्स अभी हम कर रहे हैं खाना स्टार्ट, और आपको खा कर बताते हैं कि कढ़ाई कैसी बनी है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो, खाना चेक करते हैं और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके मुझे लाजमी कि आप लोग किस तरह से कढ़ाई बनाते हैं। मज़े की बनी है, तो हम खाना खाते हैं स्टार्ट और आप लोग से लेते हैं इजाज़त, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप लोग भी जो है ना बोर हो जाओगे देख देख के। दो बनाना फिर पराठे।
और फिर किसी नए व्लॉग में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।